क्या आपने कभी सोचा है कि रूबिक्स के ऊपर अल्फाबेट्स बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कैसे? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रूबिक्स के ऊपर अल्फाबेट्स कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी। अदर के ऊपर सारे अल्फाबेट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5x5 रूबिक्स के ऊपर अल्फाबेट्स बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट अल्फाबेट ए बनाते हैं। Here is our alphabet A and the next alphabet is B. Here is our alphabet C and the next alphabet is D. तो यहाँ तक तो सेम टू सेम B वाला कॉन्सेप्ट था। तो अभी हमें इधर से सिर्फ एक पीस को इधर ऐसे लगाना है, बस बन गया आपका। तो बनाते हैं E। बना ली, इस वाले लेयर को नीचे लाना है, उसके बाद ये मिडिल की अप एंड डाउन लेयर्स को प्रेस करके फिर इधर से पूरा का पूरा ऐसे नीचे लाना है, उसके बाद इन दोनों को वापस से रिवर्स कर दो। तो बन गया ई। अभी एफ तो आपको पता चल गया होगा, सेम टू सेम है, जस्ट इसको वापस ऐसे ऊपर किया, फिर नीचे लेयर को ऐसे लेफ्ट, फिर से रिवर्स बैक, तो बन गया एफ। भी बनाते हैं जी। तो जी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें डॉट पैटर्न बना लेना है, उसके बाद इस वाले पीस को वाइट पीस से रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए हमें सिर्फ इस वाली लेयर को इधर रखना है, बाकी सारे लेयर्स को कोई भी दूसरी साइड में लेके चला जाना है। फिर उसके बाद वाइट पीस हमारा ऊपर है, तो फिर हम लोग ऊपर से ऐसे नीचे लाएंगे, फिर उसके बाद फिर से इनको रिवर्स कर देंगे। तो अभी हमारा थोड़ा सा जी बन चुका है, बस खाली इधर एक ब्लू पीस की ज़रूरत है। तो फिर हम लोग देखेंगे ब्लू किधर है। तो मेरा ब्लू इस तरफ है, तो मैं बस डॉट पैटर्न के कॉन्सेप्ट से इधर भी लगा दूँगा। तो बन भी गया हमारा जी। तब ये एच, एच तो आपने 3x3 पर ज़रूर बनाया होगा। तो उस एच के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आपने 3x3 पर एच को बनाया था उसी सेम तरीके से आपको 5x5 पर भी बनाना है। बस खाली इसके अंदर इस वाली लेयर को लेफ्ट में लेके गए। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग 3x3 में पूरी मिडिल लेयर को लेके जाते थे, वैसे इसके अंदर तो एक ही मिडिल लेयर होती है। तो फिर हम लोग को भी इसके अंदर खाली एक ही मिडिल लेयर को ऐसे राइट साइड में लाना है या फिर लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद ऊपर वाले लेयर को नीचे लाना है, फिर से रिवर्स। तभी हमारा एच भी बन चुका है। अभी कौन सा है, हाँ अभी आई, तब बनाते हैं आई। वैसे आई तो बन ही चुका है, बस इसको ऐसे उल्टा कर देना। तो हमारा आई भी बन चुका है। अभी बनाते हैं जी है जे की। वैसे बनाने तो सभी है। तो हमारा जे भी बन चुका है, और मैंने काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स शॉर्ट्स में बना रखे हैं, लेकिन बट फिर भी शॉर्ट्स को अवॉइड करते हुए हम लोग अभी सब अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे। तब बनाते हैं कि के तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर बस डॉट पैटर्न वाली चीज़ को 2 times फॉलो करना है, उसके बाद बस बन गया। तो आपको ऊपर एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, तो आप प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिएगा और 3x3 रूल्स को सॉल्व करना सीखिएगा,
और स्नेक क्यूब्स के भी कुछ वीडियोस है, वो भी प्लीज ज़रूर देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और अगर कुछ भी अगर आपको चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा। तब बनाते हैं अब कौन सा है। एल तो आपने बनाया ही होगा, 3x3 उसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई होगी, लेकिन बट अभी हम लोग को अभी इसके अंदर बनाना होगा क्योंकि ए टू जेड सभी अल्फ़ाबेट्स को हमें इसके अंदर कवर करना है। लेफ्ट वाले लेयर के ऊपर फिर इसको ऐसे ऊपर, मिडिल वाले लेयर के ऊपर, फिर डाउन वाले लेयर को लेफ्ट साइड, इसको नीचे ऐसे रिवर्स कर दीजिए। लीजिए बन गया आपका एल। तो जब भी मैंने मेरे 5x5 क्यूब को लिया तो मेरा क्यूब तो मेरे क्यूब पर एम बना हुआ था। तो चलिए अभी एम की बारी भी आ चुकी है तो एम भी बना ही देते हैं। तो बस हमें दोनों साइड साइड वाली लेयर को नीचे करना है, फिर बस डॉट पैटर्न को ही फॉलो करना है। अब इसके अंदर ज़्यादातर तो डॉट पैटर्न वाले होंगे, फिर अभी ये सेंटर भी डॉट पैटर्न वाले। तो लीजिए आपका एम भी बन चुका है और अभी तो एन बनाने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट दोनों साइड साइड वाली लेयर्स को नीचे, जब हमें डॉट पैटर्न वाली चीज़ को फॉलो करना है लेकिन बट ऐसे डायगनल, तो अभी उसको भी फॉलो कर देते हैं। और अगर फॉलो अगर ये कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, आईडी का नाम क्रिस रूबिक्स, जाइए फॉलो कीजिए और वीडियोस को भी लाइक कीजिए। तो लीजिए हमारा एंड भी बन चुका है, पैटर्न भी ज़रूरी बनाया होगा, तो अभी वो डॉट पैटर्न ही बनाना है, वो बना लीजिए। तो लीजिए हमारा डॉट पैटर्न बिल्कुल ज़रा साथ साथ में कीजिएगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी। तो हमारा पी भी बन चुका है, कोई वॉइस नहीं आएगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो अभी जल्दी जल्दी ये सारे के सारे अल्फाबेट्स बनाते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमने लास्ट अल्फाबेट जेड भी बना दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो का कमेंट डिसेबल्ड हो तो किसी दूसरे शॉर्ट्स वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब के लिए बाय।